हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका फर्स्ट टाइम और वो भी प्लानिंग वाला सी सेक्शन होने वाला है तो इस बीच जो आपके मन में बहुत ज्यादा डर रहता है उसको आप कैसे दूर करें एंड अपने आप को किस तरीके से तैयार करें ऑपरेशन करवाने के लिए। जब आप क्लियर कर लेते हैं कि आपको 15 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद ऑपरेशन कराना है तो इस बीच आपके माइंड में बस एक ही चीज चलती है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, ठीक है। और ये जो शब्द होता है वो आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करूंगी कि असल में आपके साथ होने वाला क्या है, क्योंकि जब आपको ये प्रोसेस पता चलेगा तो आपका जो मन का डर रहता है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। क्योंकि जब हमको कोई भी बात क्लियर पता नहीं होती है तो हम बहुत ही ज्यादा सोचते हैं और पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। मेरा भी सी सेक्शन हुआ है, वो भी फर्स्ट टाइम। लास्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। तो जिस दिन आपका सी सेक्शन होने वाला होता है उस दिन डॉक्टर आपको 8 घंटे पहले से ही कुछ भी खाने पीने के लिए मना कर देते हैं एंड उसके बाद में जब आप हॉस्पिटल जाती हैं तो आपके कुछ नॉर्मली चेकअप होंगे, जैसे कि आपका ब्लड टेस्ट होगा एंड आपकी थायराइड भी चेक की जा सकती है एंड आपका सुगर टेस्ट भी हो सकता है एंड उसके बाद में आपका बीपी वगैरह चेक किया जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एंड उसके बाद में आपके हाथ में जो है बीगो लगा दी जाएगी। और ये ऑपरेशन से पहले इसलिए लगाई जाती है क्योंकि आपको ऑपरेशन होने के बाद 48 घंटे तक कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता है और इस बीच आपके लगातार बोतलें चढ़ती हैं और डॉक्टर जो है इन्हीं बोतलों में दवा वगैरह भी डाल देते हैं ताकि आपका जो बाद में पेन होता है उसमें आपको काफी हद तक रिलीफ मिल सके। और वहां पर जो है दाइमा वगैरह भी होती हैं जो कि आपको एक रूम में ले जाती हैं सी सेक्शन से पहले। वहां पर आपकी जो प्राइवेट पार्ट के जितने भी आसपास जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उन सभी को अच्छे से क्लीन किया जाता है एंड आपके जो पेट के निचले हिस्से में भी जो हेयर रहते हैं उनको भी रिमूव कर दिया जाता है एंड उसके बाद में आपके जो पेट को जो है एंटीसेप्टिक से वॉश किया जाता है पूरी तरीके से एंड उसके बाद में आपको एनीमा भी दिया जाता है। और ये जो एनीमा होता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि आपका जो पेट वो अच्छे से साफ हो सके एंड आपको ऑपरेशन के तुरंत बाद आपको पोटी वगैरह ना फील हो। इतना प्रोसेस होने के बाद आप जो है सी सेक्शन के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर आपको इजिली जो है ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद आपका जो यूरिन ब्लैडर होता है उसमें डॉक्टर एक कैथेटर यानी कि एक पतली और लचीली ट्यूब लगाते हैं। और ये लगाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप ऑपरेशन के तुरंत बाद ना तो खुद उठ सकते हैं और ना ही आप यूरिन वगैरह पास करने के लिए जा सकते हैं। तो आपकी जो यूरिन वगैरह होती है वो इसी में भरती रहती है एंड उसके बाद में इसको जो है बहुत इजीली खाली कर दिया जाता है और इससे आपको बहुत ही ज्यादा आराम रहता है। उसके बाद में आपको हल्का सा झुकने के लिए बोला जाता है और आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें आपको जो है एक इंजेक्शन के थ्रू एनेस्थेटिक दिया जाएगा और ये जो काम करता है वो आपके निचले हिस्से को बिल्कुल सुन्न कर देता है ताकि आप ऑपरेशन के टाइम आपकी आंखें तो खुली रहती हैं बट आपके साथ जो भी प्रक्रिया होती है ऑपरेशन की वो आपको पता नहीं चलती है। और इंजेक्शन देने के बाद आपको लिटाने के बाद आपकी जो आंखों पर जो है एक कपड़ा लगा दिया जाता है और उसके ऊपर से पट्टी भी लगा दी जाती है ताकि आप कोई भी प्रक्रिया देख ना सके और आपको कोई भी घबराहट ना हो। उसके बाद में ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है और इस बीच आपसे जो है डॉक्टर बात करते रहते हैं एंड जो दाइमा वगैरह होती है वो भी आपसे पूछती रहती है कि आप कैसा फील कर रही है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ऑपरेशन के टाइम पे लगभग 10 मिनट लग जाते हैं बच्चों की डिलीवरी करने में एंड आपको जो चीरा वगैरह लगाया जाता है फिर उसको प्रॉपर बंद करके टांके लगाने में लगभग 30 मिनट का टाइम लग जाता है, यानी कि टोटल जो ऑपरेशन का टाइम रहता है वो लगभग 40 या फिर 45 मिनट का ही रहता है। और इस बीच आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है और जैसे ही आपके इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन लगने के बाद आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलता है, आपके जस्ट 2 से 3 मिनट बाद आपके कानों में आवाज आ जाएगी कि आपके बेबी फाइनली हो चुके हैं। और आप जब थोड़ा थोड़ा 3 से 4 दिन बाद चलने फिरने लगती हैं, थोड़ा बेटर फील करती हैं, तो आपका जो ये कैथेटर होता है वो हटा दिया जाता है और ऑपरेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में आपको रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है एंड वहां पर आपको 3 से 4 दिन रखा जाता है ताकि डॉक्टर ये देख सकें कि आपके जो टांके वगैरह है वो अच्छे से हील हो रहे हैं या नहीं और आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, घबराने जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, बिल्कुल आप रिलैक्स रहिए, डॉक्टर आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। और आपके जब 1 से 2 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तब आपको जो है चाय वगैरह पीने के लिए डॉक्टर बोल देते हैं और इससे पहले आपको इसलिए नहीं दी जाती है कोई भी चीज खाने पीने की, क्योंकि जब तक ऑपरेशन होने के बाद जब तक आपके पेट में जो गैस वगैरह बनती है वो जब तक इजिली
पास नहीं हो जाती है, अगर उससे पहले आपको कुछ भी खाने पीने के लिए दिया जाएगा तो आपका जो पेट है वो फूलना स्टार्ट कर देता है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मुझे प्रोसेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जैसा कि आप प्रोसेस को सुन के समझ ही गई होगी, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बस आपको ये सोचते रहना है कि आपका बेबी बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है, तो आपको एक अंदर से खुशी होगी, आप जल्दी से जल्दी अपने बेबी से मिल पाएंगी। ये जितना भी प्रोसेस होता है बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं होता है और बिल्कुल भी अजीब सा भी नहीं होता है, बहुत ही सिंपल सिंपल से प्रोसेस होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको बार बार सी सेक्शन के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, हर वक्त सोचते हैं, तो हमें उतनी ही ज्यादा घबराहट होती है एंड उतनी ही ज्यादा टेंशन होती है। आपको बस खाते पीते रहना है एंड अपना ध्यान रखना है, और आपको अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनते रहना है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मूवी वगैरह देखते रहिए, जिससे आपका मन बहला रहे और आपका बार बार ध्यान उस तरफ ना जाए। एंड आपको जो भी लोग पसंद हो आप उनसे बातचीत करते रहिए, इससे आपका जो मन का डर है, चिंता है, वो थोड़ी सी दूर होगी। और सी सेक्शन आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो चुका है, तो इसलिए आपको इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। बस आप एक बात का ध्यान रखें, सी सेक्शन होने के बाद जो भी आपको डॉक्टर सावधानी रखने के लिए बोलते हैं वो आपको जरूर फॉलो करनी है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो एंड आप जल्दी से जल्दी बिल्कुल फिट हो जाएंगी। एंड अगर ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।